नमस्कार, पल पल टॉप 10 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं जबलपुर शहर की 10 बड़ी खबरों की ओर। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त आरोपी गिरफ्तार, 60 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने की जब्त। खमरिया थाना क्षेत्र की है घटना। चरगवां थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार लुटेरे ने उड़ा लिए 2,04,000 रूपए। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की जाँच। मड़ताल थाना क्षेत्र स्थित चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार, मामूली बात पर हुआ था विवाद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त दोनों आरोपी पर NSA के तहत की गई कार्रवाई, 6 महीने के लिए भेजा गया सेंट्रल जेल। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा की दो टूक, आवश्यकताएं अनुसार ही निजी अस्पतालों को दिया जाएगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। बढ़ती गर्मी में ना हो लोगों को दिक्कत, नगर निगम ने पेयजल अधिकारियों को लगाया काम पर। संयुक्त कलेक्टर ने निजी अस्पतालों का किया निरीक्षण, बोले जिसका रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको नहीं लगा तो होगी कठोर कार्रवाई। सांसद राकेश सिंह ने शहर को दिए 6500 इंजेक्शन, 4 ऑक्सीजन टैंकर भी भिलाई से जबलपुर के लिए निकले। बीते दिनों सांसद समेत परिवार के कई सदस्यों को हुआ था कोरोना, डॉक्टर की सलाह के बाद होम आइसोलेशन से बाहर आए राकेश सिंह। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई, 47 दुकानों को किया गया सील। लाल पर्पल टॉप 10 में इतना ही, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। पल पल इंडिया परिवार की अपील, इस महामारी से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।